हमारे इस देश के प्रधानमंत्री माहिर है मुद्दों को बदलने में, रोज नया मुद्दा आ जाता है। आप जब तक जाति जनगणना की बात करेंगे तो पता चला कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो एक जाति विशेष के व्यक्ति को सिर्फ उस जाति के होने के कारण उसको घेर के मारा गया पुलिस द्वारा। एक ऐसे मुख्यमंत्री से जो अपने आप को जाति से ऊपर कहता है, लेकिन उसने एक बहुत अच्छा संदेश एससी एसटी ओबीसी को दिया, कटोगे बटोगे तो कटोगे। बल देने के लिए दिल्ली के दलित पिछड़े कभी पीछे नहीं रहे, उनको उस बराबर सम्मान भी नहीं दिया। भाई विजेंद्र जी बैठे हुए हैं, ओबीसी के लिए जो लाइन है कि कब से ओबीसी जो दिल्ली में है वो जो अनुच्छेद 1993 है उसको पहले करने के लिए आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम ने अथक प्रयास किए। बड़े मंत्री थे, एक पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं चली। तो फिर ऐसे संगठन में, और देखिए जो व्यक्ति सिर्फ एक समाज को लेकर चल रहा आज अगर वो जेल में है तो क्या उसका समाज एक पोस्ट भी देता है फेसबुक पर? आप लोग गौर कीजिए, लड़ने वाले हम लोग हैं, उनके लिए भी दलित पिछड़ा आदिवासी लड़ते और यहाँ के जो वंचित समाज है वो लड़ती, लेकिन वो तो ऊपर देखते रह गए और नीचे कभी देखे नहीं। इस सभा में बहुत आदरणीय लोग और भी बैठे हैं, सुधांशु जी हैं जो डूटा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर रतनलाल जी हैं, सुमित चौहान जी हैं और अनिल पटेल जी जो लाख दिक्कतों के बावजूद वी द पीपल के बैनर कई संगठनों को साथ ला कर ये संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनको भी अभिवादन करता हूं, प्रवीण जी को भी। और दो तीन बात मैं जल्द करके समाप्त करूंगा प्रवीण जी, लेकिन सबसे अहम बात सोचने की है कि आज कौन से बड़े अहम मुद्दे हैं देश और समाज के समक्ष। जाति जनगणना एक मुद्दा के तौर पर राहुल जी ने उठाया, कई सारी पार्टियों ने उठाया। इसके पहले नीट में सिर्फ दलित पिछड़ों के साथ नहीं, पूरे के पूरे समाज और युवा वर्ग और छात्र वर्ग के साथ भारी बेईमानी हुई, और जिसका किंगस्पिन इस देश का शिक्षा मंत्री। लेकिन क्या सदन में अनेक भाषण आप सुने होंगे, एक भी डिमांड आया कि शिक्षा मंत्री अपनी गद्दी छोड़ो? एनटीए का अध्यक्ष सीधे तौर से शामिल रहा इतने बड़े साजिश में, क्या ईडी और सीबीआई को यह पता नहीं चला? और इस तरह जो तमाम युवा है जब वो अपनी वीर की लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या हम संसद में उसको उस इशू को विपक्ष ने इतना दबाव बनाया कि उसको क्लिंच किया जाए? नहीं हुआ। और इसमें कई से खेल चल रहे हैं, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री माहिर है मुद्दों को बदलने में, रोज नया मुद्दा आ जाता है। आप जब तक जाति जनगणना की बात करेंगे तो पता चला कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो एक जाति विशेष के व्यक्ति को सिर्फ उस जाति के होने के कारण उसको घेर के मारा गया पुलिस द्वारा। एक ऐसे मुख्यमंत्री से जो अपने आप को जाति से ऊपर कहता है, लेकिन उसने एक बहुत अच्छा संदेश एससी एसटी ओबीसी को दिया, कटोगे बटोगे तो कटोगे। वो क्या है समझिए, वो एससी एसटी ओबीसी को कह रहे हैं कि तुमको हम बांटेंगे और काटेंगे। ये जो उपवर्गीकरण है ये आपको बांट कर आपको काटने की साजिश है, और उसको वो हिंदू वाले भाषण में देकर आपको भ्रमित कर रहे। आप बटिएगा तो कटिएगा, ये जानकर चल ओबीसी को एक अस्मिता बनाने में बहुत देर लगा, मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाद ही देश के कोने कोने
में लोग अपने आप को ओबीसी कहते हैं, उसको भी बांटने का एक छोटा साजिश था। लेकिन उससे भी पहले जो एक समुदाय जगा हुआ माना जाता है, दलित समुदाय, उसको बांटने के लिए वर्गीकरण का ये खेल शुरू कर दिया है। मुझे खुशी है कि तमाम नेताओं के इस बयान के बावजूद, और मैं देश के कई कोने कोने में जाता रहता हूं, जो तमाम दलित वर्ग है वो आज भी इकट्ठा खड़ा है अपने हक को बचाने के। उनको बांटने की साजिश सफल नहीं हो, यह मेरी कामना। इसके साथ दो बातें बहुत अहम है। अभी शिक्षा की बात की, डॉक्टर रतन लाल ने भी और संजय जी ने भी, संजय सागर जी ने भी कही, पूरे यूनिवर्सिटी में फीस जो है एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स में बढ़ रहा है। इसके पहले आईआईटी की फीस देख लीजिए लाखों में। आपके बच्चे अगर कम्पीट भी करेंगे तो आपको इस लाइक नहीं रखा जाएगा कि आप फीस दे सकें। आईआईटी में आप फीस नहीं दे पाएंगे। अब जो प्रहार शुरू हुआ है वो साधारण कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में दुगुना तिगुना फीस बढ़ाए जा रहे हैं, और इसका अभी छात्र संघ चुनाव होने वाला है। और देखिएगा, छात्र संघ चुनाव में जो जिस तरह के धनबल का प्रयोग होता है उसमें क्या एक बिंदु पाक मुद्दा किसी भी संगठन द्वारा फीस एनहांसमेंट को लेकर चल रहा है? नहीं चल। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, देखता हूं। और खास बात देखिए, भ्रष्टाचार किस तरह से बढ़ रहा है। इसके पहले उज्जैन में एक मूर्ति गिरी, शिव जी की मूर्ति गिरी, भावना आहत जैन का कोई भावना आहत नहीं हुआ। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, जो मैं दावा करता हूं 36 करोड़ में बन सकता था, 3600 करोड़ अलॉट हुए, और उसका ठेकेदार कौन था? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का बेटा। और क्या बयान आया, 45 km/h स्पीड में चल रही थी हवा और वो मूर्ति के बीच। जो जानते हैं कि जब तूफान आता है तो मिनिमम स्पीड 300-400 km/h के ऊपर रहता है मिनिमम। उस हिसाब से तो पूरा का पूरा जो दुर्ग था वो उड़ जाना चाहिए। ये दरअसल पूरे देश को लूटने में और रोज किस तरह से एजेंडा बदला जाता है। आज आपको बताया जा रहा है कि एवरी ट्रांजैक्शन थ्रू डिजिटल मींस पर आपको एक मोटी रकम देनी पड़ेगी। पहले तो आपको बात भी किया गया नोटबंदी के समय, और एक विशेष जिसमें चीन का पार्टनरशिप था पेटीएम, उसको आगे किया गया। खुद स्वयं साहब ने उसका प्रचार किया है। और अब जो है एवरी डिजिटल ट्रांजैक्शन में आपको इतनी बड़ी रकम देनी पड़ेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करें कि जाकर फिर से एटीएम के बाहर लाइन में लगे। तो इस तरह से रोज जो एजेंडा बदल रहे हैं। और मेरी आज विनती है तमाम हमारे जो यहाँ बैठे हैं कि जो देश का सबसे अहम मुद्दा है वो युवाओं को लेकर है, उनके रोजगार को लेकर है। और आप जानते हैं कि जो विभाग गिनती करता था बेरोजगारों की, सांख्यिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स को क्लोज कर दिया। देयर इज नो ऑफिशियल फिगर ऑन पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड इन दिस कंट्री। और उसके जगह ये बराबर आ रहा है कि किस तरह से हम देश में भयंकर रोजगार दे रहे हैं, कौन सी कंपनी आ रही है जा रही है। लेकिन हर सुबह की शाम होती है, वोट फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था है जिसने कहा है कि ये 2024 के चुनाव में 79 सीट्स जो कि इंडिया को जीतना चाहिए था वो एनडीए को या बीजेपी को जबरन जिताया गया है। ये सरकार गैर कानूनी सरकार है, असंवैधानिक सरकार है। अगर इसके खिलाफ और उन वायदों के खिलाफ जो कि संसद में नहीं सुना जा रहा है, अगर विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी सड़कों पर नहीं आएंगे तो देश के लोगों के साथ फिर से एक बड़ा अन्याय होगा।
और मैं आह्वान करता हूँ कि आज कम से कम रोजगार के मुद्दे पर, अग्निवीर के मुद्दे पर, नीट के मुद्दे पर और जाति जनगणना के मुद्दे पर जो कांग्रेस पार्टी के युवा हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है वो इस बात इस आपके माध्यम से और यहाँ जो बैठे हमारे तमाम के साथी है जो हमारी बातों को आगे तक ले जाते हैं उनको धन्यवाद देते हुए उनके माध्यम से मैं ये अपील कर रहा हूँ जय संविधान।